हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं RSPCB का सिलेबस। और उसी सिलेबस का एक पार्ट है कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं सेटलिंग। आज कोगुलेशन फ्लोकुलेशन वाला चैनल नहीं देखा है तो आप मेरा चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, इससे पूर्व वाला वीडियो देखिए। और पूरी की पूरी आपकी जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की जो प्लेलिस्ट है, या उसी में आप वो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, इन दोनों का सिलेबस सेम है दोस्तों, इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं। सेटलिंग और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर एक बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि डेली कम से कम आपके लिए एक वीडियो है, और जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाए। साथ ही जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर बोल सकते हैं आपकी एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं सेटलिंग। सेटलिंग इज ऑल्सो नोन एज सेडिमेंटेशन। इट इज ए क्रिटिकल प्रोसेस इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड फ्लोक्स एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर बाय अलोविंग देम टू सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। अब देखिए, जो मेरे पास पहले रॉ वाटर था, कहीं से आया कच्चा वाटर, उसको मैंने लिया, उसके अंदर मैंने एक प्रोसेस किया जिसे मैंने बोला कोगुलेशन। क्या बोल दिया? कोगुलेशन, है ना। कोगुलेशन में क्या होता है दोस्तों, अपन ने पढ़ा है एलम फैक्ट्री मिलाते, क्या मिलाते हैं? एलम मिलाते हैं या फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं, FeCl3 मिलाते हैं ना। मैंने आपको पूरा पढ़ाया, ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे। उसके बाद इसका क्या होता है फ्लोकुलेशन, इसको धीरे धीरे एक जेंटल मिक्सिंग की जाती है, उससे क्या होगा, सारे के सारे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं आपस में चिपकने लगेंगे, जिससे उनका वेट बढ़ेगा और ग्रेविटी से नीचे सेटल होने लगेंगे। अब आगे क्या होता है, सेटलिंग होती है उसमें, जहाँ बड़े बड़े सेटलिंग टैंक बनाए जाते हैं, जिसके अंदर जो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन बन गए हैं वो धीरे 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 ग्रेविटी के प्रभाव से नीचे सेटल होते रहेंगे, और आगे हमें थोड़ा सा प्योर वाटर वहां पर मिल जाएगा फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। दी प्रोसेस टिपिकली फॉलोज कोगुलेशन फ्लोकुलेशन एंड इट इज एन इसेंशियल स्टेप इन प्रोड्यूसिंग क्लियर एंड क्लीन वाटर। एक इसेंशियल बहुत जरूरी स्टेप है जो कि क्लीन वाटर में। इंट्रोडक्शन की बात करें, सेटलिंग इज अ टाइप टिपिकली द थर्ड स्टेप इन ए सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ये थर्ड स्टेप है, अपन पढ़ रहे हैं कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद, ये तीसरी स्टेप है। फॉलोइंग कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन द डिस्टेबलाइज पार्टिकल्स एंड फ्लोक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग दीज प्रिसीडिंग स्टेप्स आर नाउ रेडी फॉर रिमूवल थ्रू सेटलिंग। तो इस दौरान जो पार्टिकल्स बने हैं, जो फ्लोक्स बने हैं अपने पास, फ्लोकुलेशन के दौरान जो बड़े बड़े पार्टिकल्स बने हैं, कोगुलेशन में एक सिंगल पार्टिकल को बड़ा होगा, फिर फ्लोकुलेशन उनको आपस में मिलाएंगे तो वो चिपक जाएंगे और वो दूसरा पार्टिकल बड़ा हो जाएगा, उसके आगे हमें सेटलिंग करनी पड़ती है। अब सेटलिंग में क्या होता है, इनलेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द वाटर टू बी ट्रीटेड ऑफन रेफर्ड एज द फीड वाटर इज इंट्रोड्यूस इन टू सेटलिंग बेसिंग और क्लेरिफाई थ्रू द इनलेट स्ट्रक्चर टू इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग। द इनलेट डिजाइन डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेटलिंग बेसिंग यूनिफॉर्मली। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप का सेटलिंग बेसिन होता है। नीचे देखिए, यहाँ से पानी आपके पास इनलेट में अंदर की साइड यहाँ से पानी आएगा, ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्म फ्लो होगा और यहाँ से उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। क्विसिकेंट जोन, वंस द वाटर एंटर्स द सेटलिंग बेसिन इट अलाउड टू फ्लो स्लोली एंड क्विसिकेंटली। दिस रिड्यूस वेलोसिटी प्रोवाइड द नेसेसरी टाइम फॉर ग्रेविटी टू एक्ट ऑन द सस्पेंडेड पार्टिकल फ्लो कॉजिंग देम टू सेटल। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, सेटलिंग वेलोसिटी जो है इसकी, जो ऑपरेटिंग वेलोसिटी है उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। अब ये इस जगह पर ये फ्लोकुलेशन है तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर आप इसको बहुत धीरे 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 फ्लो करते हो, अगर आपकी सेटलिंग वेलोसिटी कम होगी तो ये पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाहर आउटलेट स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर सेटल नहीं होगा। तो हमें क्या देना है, सेटलिंग वेलोसिटी जो है VCS से ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रेविटी सेपरेशन, अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी द लार्जर एंड डेंसर पार्टिकल एज वेल एज द फ्लोक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोगुलेशन फ्लोकुलेशन सेटल टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द बेसिन। जो भी फ्लोक्स हमारे पास बने हैं, जो भी कचरा हमारे पास बना है कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के टाइम पे, वो धीरे 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 क्या हो जाता है, नीचे की साइड सेटल हो जाते हैं। स्मॉलर और लाइटर पार्टिकल्स में रिमेन सस्पेंडेड एंड आर नॉट इफेक्टली रिमूव्ड ड्यूरिंग सेटलिंग। जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और जो उसी के अंदर घुले हुए पार्टिकल होते हैं, वो सेटलिंग प्रोसेस के दौरान भी नहीं निकलते हैं। दिस इज वाई प्रोवर कोगुलेशन फ्लोकुलेशन एसिड टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लार्जर और हैवियर फ्लोक्स। इसलिए कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन जरूरी है ताकि हमें लार्जर और हैवियर फ्लोक्स वहाँ पर मिल सकें। क्लेरिफिकेशन एंड स्लज कलेक्शन एज प्रैक्टिकल पार्टिकल सेटल द क्लेरिफाइड वाटर राइजेज सर्फेस एंड इज कलेक्टेड इन टू ए लॉन्डर एंड इफ्लुएंट थ्रू दी
द सेटल पार्टिकल ऑफन रेफर्ड एज स्लज एक्यूमुलेट द बॉटम ऑफ द बेसन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। जो सेटल पार्टिकल होते हैं जनरली उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे स्लज बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि स्लज किसे बोलते हैं, जो सेटलमेंट पार्टिकल होगा उसे हम स्लज बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन स्लज में बी कलेक्टेड बाय स्लज रेकर स्क्रैपर मैकेनिज्म डायरेक्टेड टू द स्लज होपर और फॉर रिमूवल। तो अलग अलग टाइप के स्लज रेक्स होती है, स्क्रैपर मैकेनिजम्स होती है, स्लज होपर्स होते हैं, उसके अंदर हम स्लज को कलेक्ट कर सकते हैं। अब लाउंडर डिजाइन, द डिजाइन लाउंडर इज इफिशियंट कलेक्शन सिस्टम इज क्रूशियल टू प्रिवेंट द डिस्टर्बेंस ऑफ सेटल्ड पार्टिकल्स। प्रॉपर डिजाइन इंश्योर दैट द क्लेरिफाइड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बेसिन विदाउट री सस्पेंडिंग स्लज। तो इसके अंदर देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि आपने पानी जो है इसके अंदर छोड़ा, इसकी जो डेप्थ है धीरे 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 डेप्थ जो आगे की साइड बढ़ती जाएगी, 1.9 मीटर है यहाँ पर, 3.9 मीटर है। इस टाइप से आपने यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट्स लगा दिए और ये पैरेलली जो है पैरेलल वाटर कलेक्टर जिसे हम बोल सकते हैं, ये पैरेलल वाटर कलेक्टर या परपेंडिकुलर वाटर कलेक्टर है, दोनों टाइप से वाटर कलेक्टर आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। जनरली देखिए आप ये बहुत लंबा होता है, लगभग 30 मीटर का जो है वाटर टैंक होगा और इसके अंदर पानी जो है वो धीरे 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 फ्लो करता है और जो फ्लो जो सेटल्ड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू धीरे धीरे नीचे इसके कॉर्नर पे यहाँ पर वो धीरे धीरे सेटल होने लग जाते हैं, जिसे हम बाद में निकाल लेते हैं। इसकी जो डायमेंशन देखिए आप, 30 मीटर इसकी लेंथ है और 4.5 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। कई जगह पर बेफल सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं। बेफल सिस्टम में क्या होता है, इस टाइप से दीवारें बनी होती है बीच बीच में, जो कि पानी को एक थ्रू इस टाइप से पानी आएगा, ऐसे जाता है पानी, तो उसको जो है पार्टिकल को सेटल होने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। इन लार्ज सेटलिंग बेसिन बेफल्स और वियर्स आर ऑफन इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल द फ्लो पैटर्न्स एंड प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग। बेफल सिस्टम हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्लो यूनिफॉर्मली अक्रॉस द बेसिन, इंश्योर ऑल पार्टिकल्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल। हर टाइप का पार्टिकल इसके अंदर सेटल हो जाता है। इसके अंदर क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, यहाँ से पानी इनलेट में आएगा, पानी है इसके अंदर ऊपर वाला, तो हम ऊपर का ऊपर स्कम जो है वो निकाल लेते हैं, जो ऑयल की सरफेस होती है, ठीक है। उसके बाद जो लार्जर पार्टिकल से धीरे धीरे फ्लो होना चालू होगा और वो यहाँ से इसके अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ से वो पानी वापस आएगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे जो सेटल्ड पार्टिकल है, जो भारी पार्टिकल है, वो नीचे के नीचे ही रह जाएंगे और जो हल्के वाटर है वो ऊपर उठ जाएगा, फिर धीरे धीरे वापस में भी जो लार्जर पार्टिकल है वो नीचे रह जाएंगे, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर लार्जर पार्टिकल नीचे, फिर ऊपर, इस टाइप से हम जो है और लास्ट में हम इसको आउटलेट से पानी को निकाल लेते हैं। इस टाइप का जो सिस्टम होता है इसे हम बोलते हैं बेफल सिस्टम, है ना दोस्तों, याद रखिएगा कि बेफल सिस्टम कहाँ पर काम आता है, ये सेटलिंग में काम आता है। कहाँ पर काम आता है, ये सेटलिंग में, है ना, पानी में जो फ्लोक्स बन जाते हैं उनको सेटल करने में बेफल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब एक टाइप का और क्लेरिफायर्स होता है हमारे पास, जिसे हम लेमिला क्लेरिफायर्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जो हमारा स्लज टैंक है या उसको क्या करते हैं, 60 डिग्री के एंगल पे इसको परपेंडिकुलर 60 डिग्री के एंगल पे बनाते हैं, है ना। Also known as inclined plate settlers are using to enhance settling efficiency. This system use inclined plates and tubes to increase the effective settle area with the compact space. अगर आपका space कम है तो आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, इसके अंदर जैसे पानी भेजेंगे तो इसके पास जो सेटल होने के लिए इसको टाइम जल्दी मिल जाएगा और धीरे 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 ये पार्टिकल जो है सेटल होके इसकी ज़मीन पर सेटल हो जाएंगे और अच्छा वाला पानी जो है आप इसके थ्रू बाहर निकाल लेंगे, है ना दोस्तों। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट तरीका होता है, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी काम करना है और थोड़ा सा तेज काम करना है तो यहाँ पर हम लेमेला क्लेरिफायर्स का यूज़ किया सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, लेमेला क्लेरिफायर्स का। तो आपको नाम याद रखना है कि लेमेला क्लेरिफायर्स का यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं, स्कम रिमूवल। इन एडिशन स्लज फ्लोटिंग मटेरियल सच एज ऑयल ग्रीस स्कम्स एंड एक्यूमुलेट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर ड्यूरिंग सेटलिंग, स्क्रीमर और सर्फेस स्क्रैपर्स आर यूज टू रिमूव दिस मटेरियल। सर्फेस स्क्रैपर्स होते हैं जो कि जो ऊपर की साइड जो तेल है वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको वो सोख लेता है, जिससे वो सारा का सारा स्कम जो होता है वहाँ का वहाँ हमें निकल सकता है और हमें ज़्यादा शुद्ध पानी प्राप्त होगा। ओवरफ्लो वियर और स्कीमिंग, क्लेरिफाइड वाटर कलेक्टेड एट द सर्फेस इज डायरेक्टेड टू एन ओवरफ्लो वियर स्कीमिंग सिस्टम विच ट्रांसफर द ट्रीटेड वाटर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज। जो हमारे पास पानी अभी क्लियर बचा है उसको हम और क्लियर करेंगे और आगे ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे, है ना, ओवरफ्लो स्कीमिंग के थ्रू। समरी दोस्तों, आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बता रहा हूँ आपके लिए मैं काम करता रहूँगा बहुत जी और जान से, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए पीपीटी बना रहा हूँ, उसके अंदर लगभग सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए काम करता हूँ। सेटलिंग इज एन इसेंशियल स्टेप इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड इट अलाउड फॉर इफेक्टिव रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्लोक्स एंड अदर इंप्योरिटीज रिजल्टिंग इन क्लियर एंड क्लीन वाटर। प्रॉपर बेसिन डिजाइन फ्लो कंट्रोल स्लज मेंटेनेंस आर क्रिटिकल इफिशियंट ऑपरेशन सेटलिंग प्रोसेस। तो प्रॉपर अगर हम डिजाइन करेंगे, प्रॉपर मैनेज करेंगे तो एक सेटलमेंट का तरीका हो जाएगा हमारे पास, जिससे हमारे फ्लोकुलेशन जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से सेटल हो जाए।
आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इसके अंदर है, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कर सकते हैं। थैंक यू।